नमस्कार साथियों, मैं कैलाश जाट, सूचना सहायक CMHO Office राजसमंद आज आपके सामने राज हेल्थ पोर्टल से संबंधित एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राज हेल्थ पोर्टल के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, राज हेल्थ पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप सभी को जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या करना है, अपने डाटा को राज हेल्थ की वेबसाइट पर अपडेट करना है। अब हो क्या रहा है, जो राज हेल्थ की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर आपको जब लॉगिन करते हो तो आपको कुछ डाटा पहले से फिल हुआ दिखाई देता है। वो जो डाटा है वो पे मैनेजर IFMS के माध्यम से लिया गया है। तो जो डाटा है उसके अंदर आपको केवल ये चेक करना है कि आपके जो डाटा है वो डाटा सही है या उसमें कोई करेक्शन है। पहली चीज तो ये होगी, और दूसरी चीज ये कि अगर डाटा सही है और करेक्शन भी आपने कर लिया, अगर कुछ करेक्शन है, कुछ अपडेट है तो वो आपने कर लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो ऑप्शन आपने पे मैनेजर या फिर IFMS में नहीं दे रखे हैं, वो ऑप्शन भी इसमें कुछ दे रखे, नए नए ऑप्शन है, वो डाटा भी आप भर सकते हो। अब ये राज हेल्थ पोर्टल बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, जैसे कि आपको पता है शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर एक पोर्टल चलता है शाला दर्पण पोर्टल, उसी तरह से अपने मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है राज हेल्थ पोर्टल। इसके अंदर आपको अभी फिलहाल में अपने डाटा अपडेट कर लेने हैं, क्वालिफिकेशन अपडेट कर लेने हैं, नॉमिनी को सेट कर लेना है, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी मेंबर कम ज्यादा है तो उसमें एड अपडेट एडिटिंग कर सकते हैं, इसके साथ ही आप बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। ये कई ऑप्शन आपको इसमें दिए हुए हैं, आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद ये सारी चीजें आपने जैसे अपडेट कर ली, फिर इस पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, वो उससे संबंधित वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, इस पे जाके अपने डाटा अपडेट कर लो। तो राज हेल्थ पोर्टल पे किस तरह से लॉगिन किया जाता है, इससे संबंधित एक नया वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।